अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन एंड वेलकम टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023। इट वॉज पाकिस्तान वर्सेज इंडिया। बहुत तैयारियां की, बहुत जो है उसकी जद्दोजहद थी कि जी भाई जल्दी से शुरू हो ये मैच, ये बड़ा मुकाबला। लोग पाकिस्तान से टिकट्स लेके स्पेशली इस मैच के लिए गए थे कि ये वीकेंड जो है हम श्रीलंका में गुजार कर आएंगे, मगर सबकी उम्मीदों पे फिर गया पानी। बिकॉज यस, बारिश को कुछ और ही मंजूर था और इस वजह से सिर्फ इंडिया को बैटिंग मिली, पाकिस्तान ने बॉलिंग की मगर उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं हो सका। सो द मैच वॉज वॉश्ड आउट, इट वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन और एक एक पॉइंट दोनों टीम्स पाकिस्तान और इंडिया वुड शेयर। मगर इस बारिश से किसको हुआ फायदा और किसको हुआ नुकसान, बात करेंगे इस पार्शियल मैच यानी इस ये जो इनिंग खेली गई है उसके हवाले से कि क्या बैटिंग में फ्लॉज दिखे इंडिया के और क्या बॉलिंग, कैप्टनसी और फील्डिंग में फ्लॉज दिखे पाकिस्तान के। मेरे साथ मौजूद है हमारा अपना पैनल, मुश्ताक अहमद साहब, इरम जावेद एंड हाफिज इमरान। वेलकम टू द शो अगेन। सो मुशी भाई, कौन बचा बारिश से? सीधा सवाल सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक जो टारगेट कम किया गया है, मेरा ख्याल आई थिंक वी टॉकिंग अबाउट 36 ओवर में 236। आई थिंक एडवांटेज इंडिया को जाता था इसका डेफिनेटली, क्योंकि स्कोर में इतना डिफरेंस नहीं था और जो पिच थी जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे पूरा मैच देख के पहले इनिंग्स में, कि पहले 10-15 ओवर बड़े मुश्किल होने थे। जब आपके पहले 10-15 ओवर में एक दो विकटें गिर जाती, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की गिर जाती, तो उसमें होता क्या है, फिर आपको फिर दोबारा वापस उसमें जाना पड़ता है, शेल में जाना पड़ता है और अपना बिल्डअप करनी पड़ती है पार्टनरशिप, और टाइम आपके पास होता नहीं है। तो आई थिंक ये जो थोड़ा सा एडवांटेज पाकिस्तान को गया है इसके बारे में, क्योंकि अगर ये पूरा मैच होगा, अगर होता तो फिर पाकिस्तान को एडवांटेज होना था 50 ओवर का। जैसे ही ओवर कम हुए, 14 ओवर कम हुए, वो 14 ओवरों का एडवांटेज इंडिया की तरफ चला गया था। तो आई बिलीव कि ये जो बारिश हुई है ये सम हाउ दी अदर पाकिस्तान को इसका एडवांटेज गया। बट फिर एक और जो है वो रिव्यू होना था और इस रिव्यू पे ये था कि ठीक है जी, अगर फिर थोड़े से असरात दिखते हैं कि बारिश रुक जाए, और क्योंकि मैच करवाना चाहती थी ICC, ऐसा नहीं है कि करवाना नहीं चाहती थी। 20 ओवर में 155 रन्स करने थे, यानी एक T20 मैच बन जाता 155, फिर फ़ायदा कहाँ होता? आई थिंक फिर पाकिस्तान को उसकी वजह पता है क्या है कि उसकी आखिरी जो आपके पावर प्ले है उसको आप यूटिलाइज करते हैं, फिर आपकी एक पार्टनरशिप लगती है तो आपको पता चलता है 120 बॉलों पे 155 रन्स कोई नहीं है, क्योंकि आपने कट डाउन करने होते हैं बॉल्स टू रन्स, आपने ओवर्स को नहीं देखना होता, क्योंकि जब आप ओवर्स को देखते हो ना, जैसे 3 ओवर होते हैं, कहते 17 ओवरों में जी 140 चाहिए, नहीं, आपको फिर भी 110 बॉलों पे, 105 बॉलों पे 140 चाहिए, 3-4 बाउंड्रीज की बात होती है, यू आर देयर देन। आई थिंक ये जो छोटा स्कोर होता है ना 155 20 ओवर में, वो पाकिस्तान को डेफिनेटली उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होना। बिल्कुल, और मेरा ख्याल से ये जो अभी जितना मैच हुआ, शायद इंडिया को इस बात का इरम ज़रूर एडवांटेज हो गया, दे गॉट देयर प्रैक्टिस डन इन फ्रंट ऑफ द हाई पेस बैटरी ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं ना कि इतनी मुश्किलें पड़ जाएँ कि बाकी मुश्किलें आसान हो जाए। अगला नेपाल से मुकाबला है और उसके बाद फिर सुपर फोर में मे बी अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश उनमें से, मगर इस किस्म की पेस बैटरी फेस करने को अभी मिल गई और ये पता चल गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भी इतने रन्स जोड़ सकता है इंडिया। बिल्कुल, एक तरफ से ये है कि इंडिया को इस चीज़ का फायदा हुआ कि वो अपनी बैटिंग करके चले गए, लेकिन वही बात कि हम नेचर से फाइट नहीं कर सकते और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो बेशक अगर बारिश होगी तो मे बी पाकिस्तान के हक में जो है वो बेहतर हो गया, लेकिन ये है कि जिस तरह उनकी प्रैक्टिस हुई है, जब अगला मैच उनका नेपाल से है तो मे बी उनको डिफिकल्टी हो, क्योंकि उन्होंने बहुत हाई पेस के साथ उन्होंने बैटिंग किया, लेकिन जब नेक्स्ट मैच नेपाल से है तो उनकी तो स्लो पेस होगी, तो मुझे लगता है कि मे बी उस पर भी स्ट्रगल, लेकिन इंडिया एक बड़ी टीम है तो इतना स्ट्रगल तो नहीं। मतलब आज हाफिज जिस तरह मतलब हमने फील्डिंग कर गुजरे हैं ना, तो इंडिया को नेपाल के साथ भी ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। ऐसी कुछ फील्डिंग हो गई थी आज, पता नहीं पाकिस्तान वो टीम जिसकी फील्डिंग की हम इतने दिनों से तारीफ कर रहे हैं, ग्रांट ब्रैडमैन जब नेपाल के अगेंस्ट भी खेला है पाकिस्तान, तो मैंने ये एग्जाम्पल दी थी, वो जी वो पहले फील्डिंग कोच थे, अब वो हेड कोच हो गए तो शायद उनका ज्यादा फोकस है, और फिर अब्दुल मजीद साहब हैं, और अचानक से आज अब्दुल मजीद साहब भी पानी, मतलब जो बादल का पानी जो था वो सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, क्या वो बारिश से जंग लग गया प्लेयर्स को, क्या हो गया फील्डिंग? देखिए, पाकिस्तान टीम की यही खासियत है ना कि एक दिन आपको बहुत ही मायारी खेल पेश करते हुए दिखाई देंगे और अगले दिन आपको उतना ही गैर मायारी खेल पेश करते हुए भी दिखाई देंगे, तो लोग हैरान ज़रूर होते हैं।
तो यही जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है पाकिस्तान टीम की, यही उसकी एक कशिश भी है। फील्डिंग पाकिस्तान की अमूमी तौर पर अच्छी होती है, लेकिन सम टाइम एक बैड डे भी होता है। तो वो बैड डे है अगर फखर जमान बहुत अच्छे फील्डर हैं, वो सेफ हैंड्स हैं जब कैच की बात होती है। मोहम्मद रिजवान ने इतने बॉल अपने पूरे करियर में नहीं छोड़े होंगे शायद, जितने उनसे एक दिन में छूट गए। तो इसकी भी कुछ इसकी कुछ टेक्निकल वजूहात भी हो सकती हैं, जैसे रिजवान बॉल बिल्कुल आखिरी लम्हात में उनसे हवा में भी घूम रहा था, वो उनको शुरू में बॉल लगा भी, तो ये चीज़ें भी उसमें मद्देनज़र रखी जानी चाहिए। लेकिन ये बात ठीक है कि पाकिस्तान की फील्डिंग आज वो नहीं थी जिसके लिए पाकिस्तान की टीम मानी जाती है, और ये बिल्कुल पाकिस्तान की गलती थी, खामी थी। आने वाले दिनों में इससे बेहतर फील्डिंग और तसलसल के साथ बेहतर फील्डिंग की जरूरत है। और टीम की अनप्रिडिक्टेबिलिटी हाफिज ने तो कहा सबसे ज्यादा कशिश है, हमें तो दिल का मरीज बना देगी वो मुसीबत। नहीं, आप देखिए गेम अवेयरनेस, हम हमेशा कहते हैं गेम अवेयरनेस, एक स्पोर्ट्समैन को इस हाईएस्ट लेवल के ऊपर जब आप स्क्वेयर लेग पे फील्डिंग करते हैं, मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं आपको, आपको पता है एक बॉलर का गेंद अंदर आना है स्विंग करके, वो आप स्क्वेयर लेग पे अंपायर के पास खड़े मिड विकेट वाला, वो पहले बॉल से उसको पता होना चाहिए कि द बॉल कैन कम टू मी एनी टाइम। आपने ये नहीं अस्यूम करना कि ये LBW पे जाएगा या बॉल पे जाएगा, अगर उसका ऑफलाइन होता है तो उसको स्कोर भी इधर ही पढ़ना है, टांग भी पढ़ना है। तो इसलिए उसने तीन फील्ड रखे हुए थे ना इधर, नॉर्मली तो ऐसा नहीं रखते। तो वो कैच के लिए जब वो तैयार होता है बंदा, जिसको पता है कि यार इसका गेंद अंदर आता है, और अंदर आते हो पहले गेंद के ऊपर बैट्समैन भी सेट नहीं होता, उसका बैलेंस ऑफ हो सकता है, और हाफ वॉली कैन गो इन द एयर एंड आई कैन टेक अ ब्रिलियंट कैच। मैं हमेशा आई एम सॉरी टू गिव माई ओन एग्जाम्पल, जब कहीं किसी लीग में जाके कोई बात करता हूँ ना, तो मैं हमेशा लड़कों से ये बात करता हूँ मैच से जाने से पहले, कनेक्ट विद द गेम राइट नाउ। इफ यू गेट कनेक्ट विद द गेम, कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि आप जैसे ही कनेक्शन आपका गेम के साथ, आपका माइंडसेट स्विच ऑन होता है, आप गेम की अवेयरनेस के अंदर आ जाते हो, तो पहले बॉल के ऊपर आप तैयार होते हो कि आई कैन मेक ए डिफरेंस, यू नो। उसमें फिर आपको 120 बॉल तक, अगर 20 ओवर का मैच है फॉर एग्जांपल, तो 120 बॉल आपने ये सोचना है कि वो सिर्फ मुश्ताक अहमद के पास आने हैं और किसी के पास नहीं आने, बीइंग इन दैट जोन, इन दैट बस वो जोन में आप आ गए। अच्छा, कनेक्ट करने का मतलब क्या है कि यू हैव ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द वरीज, ऑल द गुड न्यूज एंड बैड न्यूज अवे फ्रॉम योर माइंड, लीव इट आउट द फील्ड, एवरीथिंग इज आउट ऑफ द फील्ड, ऑल यू फोकस ऑन वन बॉल एट अ टाइम। आप वन बॉल, जैसे ही आपके पास बॉलर करके जाता है, यू आर वेटिंग फॉर अदर बॉल। So, ये इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड डेडिकेशन, और उसके साथ कनेक्टिंग विद द गेम। ये तीन चार चीजें आप कर लें, यू विल टेक अ ब्रिलियंट कैच, यू विल सेफ अ बाउंड्री, यू विल मेक पीपल रन आउट, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग विद द गेम। द टाइम यू नॉट कनेक्टिंग विद द गेम, यू मिस फील्ड, यू ड्रॉप कैच एंड यू एक्चुअली रन आउट। बिल्कुल, जहां हम फील्डिंग की बात कर रहे हैं, यस, बड़े सारे लैप्सेस हुए, बहुत सारे रन्स, शायद हमने 20 से 25 रन्स जो हैं वो स्लॉपी फील्डिंग की वजह से दिए, वहां अच्छी फील्डिंग भी नज़र आई, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बिल्कुल ही बहुत ही बुरी थी। शादाब खान का वो कैच, दैट वाज अ कमेंडेबल कैच। शादाब खान इज नोन फॉर अ गन फील्डर, उनके लिए ये बात कही जाती है कि ही फ्लाइज एज अ सुपरमैन समटाइम्स, जिस तरह वो फील्डिंग करते हैं। एंड यस, वो जो कैच उन्होंने लिया, वो दैट वाज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम शादाब खान इन द फील्ड, बट इन द बोलिंग डू यू थिंक शादाब एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरे? नहीं, बिल्कुल, फ्रेंकली स्पीकिंग, आज जो है हमारे स्पिनर्स ने बिल्कुल अप टू द मार्क उनकी बॉलिंग नहीं की। ठीक, शादाब खान की बात की जाए तो बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि वो कॉन्सेंट्रेट, हाँ, बट जब वो हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं तो मैं मुशी भाई आपकी तरफ भी आऊंगी कि मैं स्पिनर्स का पता कर लूं, सम टेक्निकल इशू विद इरम्स वॉइस। शादाब खान, वाज ही ऑन स्पॉट टुडे? आई डोंट थिंक सो। जो उसका स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, देखें 50 ओवर में, मैं फिर कमिंग बैक टू दैट बेसिक्स पे बात करते हैं, आपकी लाइन लेंथ टेस्ट क्रिकेट वाली हो जाती है, आप 20-20 वाली पेस से बॉल नहीं कर सकते, क्योंकि 50 ओवर में आपने बैट्समैन को आपने वेरिएशन से, फ्लाइट से, अपनी पेस से ऑफ द पिच बीट करना होता है, जिस तरह आपको विकेट मिलती है बीइंग लेग स्पिनर और एनी स्पिनर। तो आई थिंक शादाब का आज उसका बॉल ज़्यादा मुंह में गिर रहा था, दो फुलटों से उसने जाते ही मिल गई उसको, वो ईशान को उस पर उसको दो चौके मिल गए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो गया। जब आपको दो चौके पड़ जाते हैं अर्ली ऑन, फिर आप सारा दो तीन अगले ओवर तो यही कोशिश करते हैं कि उस दो चौकों को मैं कैसे कवर करूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कनेक्ट विद द गेम का मतलब है कि आपको अपने प्रोसेस के अंदर रह के चार विकेटों को निकाल देना चाहिए। बिल्कुल, आप प्रेशर नहीं, क्योंकि ये कई दफ़ा उल्टा प्रेशर पड़ जाता है कि चार विकेटें गिरी हैं, आई हैव टू टेक विकेट्स। नो, ओ, मैं हमेशा शेन वॉन से जब भी हमारा आपस में मैच होता था ना, तो मैं डिस्कस करता था मुरली से, शेन से, तो आपस में जब बात कर ले होते थे ना, तो एक सबकी कॉमन चीज़ एक चीज़ समझ आती थी।
कि आपने अंडर प्रेशर अपने प्रोसेस को याद रखना होता है, आपने आउटकम का नहीं सोचना कि इस वक्त मुझे विकेट लेनी है। विकेट लेने के लिए करना क्या पड़ेगा, कल के शो में हम बात कर रहे थे, यू हैव टू बॉल अ गुड 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 ओवर्स, नॉट गुड बॉल्स। आप जब छह अच्छे बॉल करके खत्म करके जाते हो ना, अगले ओवर में कॉन्फिडेंस लेवल आपका डेफिनेटली यहाँ पे पहुंचा होता है। दो चौके खा के अगला ओवर करने जाते हो, आप सिर्फ होप कर रहे हो तो या अल्लाह मेरे दो बॉल अच्छे गिर जाए, इस दफा ना हो, इस दफा मेरे चौका ना। आपको विकेट लेने का तो माइंड सेट ही चेंज हो गया ना, आप नेगेटिव चले जाते हैं। बिल्कुल, तो उस नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए और आपको जो है एक ओवर के ऊपर फोकस करना चाहिए। एक दो अच्छी बॉलें पड़े और उसके बाद फिर जो है रन्स पड़ जाए तो फिर वो ओवर की वैसी इक्वेशन खराब हो जाती है। बट यहाँ पे जो है वक्त हो गया एक ब्रेक का, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर और ब्रेक से वापस आएंगे तो वील कंटिन्यू द डिस्कशन। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब हमने प्लान किया था कि हम ये पोस्ट मैच करेंगे तो हमें था कि हम बड़े या तो खुश होंगे पाकिस्तान मैच जीत गया होगा, या बड़े उदास होंगे कि पाकिस्तान जो है ये मैच हार गया होगा। मगर इस वक्त ना कुछ इमोशन समझ नहीं आ रहे मुशी भाई कि मतलब करें तो क्या करें, ये रेन वॉश पे खुश हों या उदास हों। मगर ये इसका मैं इस तरह डिस्क्राइब कर सकता हूँ, नींद आ भी रही है नहीं भी आ रही। तो अब ये जो सिचुएशन आपने डिस्क्राइब की है, इसका सीधा सी बात है, मैच हो जाता जी तो दी एंड ऑफ द रिजल्ट्स आप सामने आते तो उसके ऊपर हमारे इमोशंस करते, यहाँ बिल्कुल अग्रेसिव होते तो यहाँ बिल्कुल डाउन होते। बट दी एंड ऑफ द डे जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है तो अल्लाह के इख्तियार में है। कुछ चीजें, कुछ बातें जो है ना, लेकिन खुशी की बात यह है कि शहीन ने चार लगाए। शहीन का जो टैरा उनके ऊपर बैठा हुआ है वो शहीन ने उनको करके दिखा दिया। जो हमारे तीन फास्ट बॉलरों ने पहली दफा हुआ है कि मेरा ख्याल यू आर टेलिंग अस कि पहली दफा हुआ है एशिया में किसी स्पिनर ने विकेट नहीं ली और सारे फास्ट बॉलर एशिया कप में, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट ऑल द 10 विकेट्स वर टेकन बाय पेसर्स। तो इससे बड़ी टेस्टिमनी, हमने एशिया में तो अपना धावा बोल दिया है कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स हैं वो वर्ल्ड बेस्ट, तो वो अभी वर्ल्ड कप में बताएंगे इंशाल्लाह, मगर उन्होंने एशिया में बता दिया है कि दे दी एशियाज बेस्ट। मैं आपको दूसरी भी खुशी की खबर बता दी थी दैट पाकिस्तान हैज़ क्वालिफाइड फॉर द सुपर फोर, क्योंकि ऑब्वियसली तीन पॉइंट्स पाकिस्तान के हो गए हैं। सुनाओ, वो खैर वैसे ही अंडरस्टूड था जब नेपाल को हमारे ग्रुप में साथ रखा गया था, बिकॉज नेपाल इज़ नॉट दैट एक्सपीरियंस टीम। एंड तीसरी चीज़ ये कि जिस तरह पाकिस्तान को शायद ये बोलिंग तो की पाकिस्तान ने, मगर जहां बाबर आजम की कैप्टनसी, मैं इरम आपकी तरफ आऊंगी, बाबर आजम की कैप्टनसी की बात करें, मे बी नाउ इज़ द टाइम दैट ही कैन सिट ऑन द ड्राइंग बोर्ड एंड थिंक ओवर इट कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्या बाबर आजम आने वाले टाइम में फिर से यही 11 खिलाने वाले हैं? क्या वो इसी तरह के डिसीजंस फिर से लेने वाले हैं कि मिडल ओवर्स में जहाँ वो प्रेशर डाल सकते थे वहाँ पे प्रेशर रिलीज कर देंगे, और अगर स्पिनर्स को खिलाना भी है तो एटलीस्ट फील्ड तो अटैकिंग ले ले। बिल्कुल नहीं, आज नो डाउट कि आज बाबर आजम से जो है वो थोड़े से ऐसे डिसीजंस हुए हैं जो कि पाकिस्तान की फेवर में नहीं गए, जो कि जहाँ पे फुल इंडियन बैटर्स को दबा सकते थे वहाँ पे उन्होंने दबाया नहीं। बिल्कुल जैसे मुश्ताक भाई ने बात की थी कि जब हमारे पेसर्स ने अपना फुल अपना टैरर दिखाया हुआ था तो उसी वक्त उनको और ओवर्स करवाते रहते और उन पर प्रेशर डालते। फिर उसके बाद फील्डिंग में कुछ ऐसे फील्डिंग पॉइंट्स थे जिसमें जब कैच आया तो मिड विकेट पे जो है वो नवाज फील्ड से 10 कदम आगे लगे। फिर लास्ट ओवर्स में शाहीन बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर लेके बुमराह को बॉल कर रहे हैं, उसने 3 चौके ऊपर से मार दिए। तो ये चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी आज के मैच में अगर देखा जाए तो वो कप्तानी के उसमें थोड़े से अच्छे नहीं हुए, लेकिन मुझे लगता है कि बाबर आजम एक अच्छे प्लेयर हैं, अच्छे बैटर हैं और अच्छे कप्तान हैं, तभी वो टीम को नंबर 1 उन्होंने बनाया है। तो मुझे लगता है कि वो इस चीज़ पर ज़रूर सोचेंगे और नेक्स्ट मैचेस में इस पर बहुत केयरफुल रहेंगे। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से केयरफुल रहना भी चाहिए बिकॉज अभी हमें एक ऑप्शन मिल गया हाफिज़ यहाँ पे कि शायद जो हमने गलतियाँ की उसका वो नेक्स्ट स्टेप आया नहीं। हम बैटिंग में क्या करते क्या नहीं करते ऑब्वियसली कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता बिकॉज क्रिकेट इज़ अ वेरी फनी गेम। कभी गिवन डे पे कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, मगर प्रोबेबिलिटीज़ देख लें तो येस, टारगेट इतना होना नहीं चाहिए था कि 66/4 से लेके अगर हम 266/4 इस टारगेट तक ले जाते हैं, 266 तक बना लेती है, सो कहीं ना कहीं वी नीड टू रीअसेस कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जब आप मैच के बाद बैठते हैं तो ये सारी चीज़ें गुफ्तगू में आती हैं, इन पर बात होती है, बहस होती है। एक तरीका इसका ये है, एक ये है कि जिस टीम के साथ आप खेल रहे थे ऐसा बहुत कम होता है कि टॉप टीम्स आप 100 के अंदर अंदर आउट कर लें, बाउंस बैक करती हैं
और जो बड़ी टीमें होती हैं जिनके सलाहियत और उनके पास वसाइल ज़्यादा होते हैं वो इसी तरीके से करती हैं। जब हम पाकिस्तान की गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं तो साथ ही साथ इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान ने उनको सब कुछ प्लेट में रख के दे दिया। ईशान किशन ने और हार्दिक पांड्या ने बड़ी उम्दा बल्लेबाजी की और बड़े स्मार्टली उन्होंने खेला। स्पिनर्स को उन्होंने इस तरह से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर उनके ऊपर हमलावर नहीं हुए, सिंगल्स डबल्स के साथ दो दो चार चार पाँच पाँच छः छः निकालते रहे, वो दो दो छक्के लगाने की तरफ नहीं गए ताकि कप्तान ये सोचता रहे कि अभी मुझे स्पिनर से विकेट मिल सकता है, अभी मिल सकता है, तो उसने उनको लंबी बॉलिंग भी करवाई है। तो ये चीज़ें भी क्रेडिट उनको जाता है कि वो ज़रा अहेड थे दोनों बल्लेबाज, जब वो शराकतदारी उनकी लग रही थी, पार्टनरशिप बना रहे थे, तो उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया है। और इस एक मैच से जिसमें उनकी मिडल ऑर्डर चली है तो एक कॉन्फिडेंस ज़रूर इंडिया की टीम में ये भी गया होगा कि अगर आपके रोहित और विराट आउट हो गए हैं तो उसके बावजूद भी ये टीम इतने रन ज़रूर कर सकती है। और पाकिस्तान को पहले मैच में जो दबाव बनाया वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने बनाया, और जब पाकिस्तान को मैच में वापस लेकर के आए वो भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ही लेकर आए, वरना एक मौका पर लग रहा था कि मुझे 300 से ज्यादा भी चले जाएंगे। बिल्कुल, जिस तरह बैटिंग हो रही थी बिल्कुल ये लग रहा था। इसका मतलब ये कि मुझे भाई इस बात को ये समझा जाए कि अगर तो उस पोजिशन पे जिस वक्त हम चार विकेटें ले चुके थे और अगर उस पॉइंट पे भी बाबर ये सोच रहे थे कि मैं अपने फास्ट बॉलर्स को डेथ के लिए बचा लूंगा, यानी वो अभी भी डेथ का सोच रहे थे, इंस्टेड के ये थॉट प्रोसेस रखना चाहिए था कि मैं क्यों 40 ओवर 35 ओवर में क्यों नहीं मैं ये मैच खत्म कर सकता। इतना ट्रस्ट तो पूरी दुनिया हमारे फास्ट बॉलर्स पे कर रही है, कप्तान को भी होना चाहिए। आई थिंक बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और ये इरम ने और जो इमरान ने बात की है बिल्कुल सही बात की है कि बाबर की सबसे बड़ी क्वालिटी, जो मैं जानता हूँ बाबर को, जितना उसके साथ मेरी कम्युनिकेशन होती है, उसके सबसे अच्छी एज ए प्लेयर और एज ए कप्तान उसके अंदर एक बड़ी आला अल्लाह ने खूबी रखी हुई है, वो ये है कि वो अपनी मिस्टेक्स को सुनता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट स्ट्रेट वे करता है, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे कैप्टनसी में हो, ये उसकी सबसे बड़ी सलाहियत है। क्योंकि ईगोस्ट नहीं है उसके अंदर, ईगो नहीं है कि मैं आप कौन होते हैं बताने वाले। नंबर वन बनने का मतलब ये होता है कि बंदा नंबर वन तब बनता है जब अपनी गलतियों से सीख के आगे जाता है, तब अल्लाह आपको नंबर वन बनाता है। तो बाकी रही ये जो ख़त्म करने वाली गेम होती है ना, ये असेस करना होता है कई दफ़ा, जैसे आपने स्पिनर्स की बात की है ना कि स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग नहीं की या उनकी फील्ड के ऊपर अटैकिंग हमें फील्ड लेना चाहिए था, सम टाइम एज ए स्पिनर मेरा भी तो रोल बनता है कि मैं अपनी फील्ड खुद सेट करूँ, क्योंकि गेम तो मैंने करनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक नवाज और शदाब को कई दफ़ा ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, और ऑनरशिप को कई दफ़ा ये शाहिद ने बड़ी अच्छी बात की थी अर्ली ऑन प्रोग्राम में कि पता नहीं कप्तान के दिमाग में कितनी बातें चल रही होती हैं कि मैं किसको लेके आऊं। उस वक्त अगर स्पिनर वो लेके आता है तो स्पिनर का फिर ये रोल बनता है एटलीस्ट वो अपनी फील्ड खुद सेट करे, वो खुद अटैक करे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जाता ना, जो आज हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं रिजवान के साथ मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मुल्तान सुल्तान से भी, और सारा इकट्ठे ही हैं अल्लाह का शुक्र है। तो वो उसकी सबसे बड़ी, वो पूरा प्रोएक्टिव है। आज बिहाइंड द स्टंप वो उसके वो जो मशवरे थे या भाग के वो एनर्जी लेवल वो नज़र नहीं आया मुझे, उसकी शायद चोट लगी हुई है उंगली पे, बेचार है। क्यों मुशी भाई, फटी तो नहीं है ये? नहीं, आई डोंट थिंक मैच पाकिस्तान में खेला, अब आप श्रीलंका चले गए हैं। बहुत मेंटली तगड़ा है, मतलब एक बंदा हॉस्पिटल से उठ के अगले दिन जाके दुबई में जाके मैच खेल के भाग भाग के इंडिया से मैच जीत जाता है, चौको चिको से नहीं, भाग भाग के। एक बंदा ड्रिपो पे लगा हुआ है, वो मेंटली बहुत टफ है, इसमें कोई शक नहीं। ड्रिपो वाले बाद हम हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, ये तब वाली बात थी। अच्छा, मगर मैं जो है आपके ओपिनियन से थोड़ा सा मैं डिफर करती हूँ, मगर हम क्योंकि ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम उस पर जरूर डिस्कस करेंगे। ईगो नहीं कहूंगी मैं बाबर की, मगर बाबर एज कप्तान मुझे लगता है कि अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बैक करता है, इस हद तक बैक करते हैं कि कभी कभार शायद आपको बैकिंग छोड़ देनी चाहिए, कभी कभार कप्तान को टीम के रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं सेल्फिश होना चाहिए, बट वो टीम के रिजल्ट से ज्यादा वो बैकिंग जो करते हैं अपने प्लेयर्स को, दैट इज समटाइम्स वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड फॉर अ कैप्टन, मगर कभी कभार टीम उससे सफर करती है। फ्यू इंस्टेंस दैट आई विल कोट हियर एंड देन वी विल डिस्कस ओवर दैट फर्दर, बिकॉज वक्त अभी जोर हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। And welcome back to Zor Ka Jor Asia Cup 2023. It was Pakistan versus India. Aur teesra khiladi tha Barish. Aur Barish ki hui aaj jeet. So ek point share kiya hai Pakistan aur India ne. Aur isi ke saath jo hai Pakistan ne Super 4 mein qualify kar liya hai with 3 points on the table. Aur break pe jaane se pehle hamari discussion ho rahi thi ke Babar ke decisions. बाबर ने बहुत रेगुलरिटी में जिस तरह डिसीजंस लिए हैं, अपने प्लेयर्स को बैक किया है, बहुत कंटिन्यूस बैकिंग की है, मतलब 2021 का अगर हम वर्ल्ड कप की बात करते हैं
हम इंडिया से खेलें तो वही 11, हम नमीबिया से खेलें तो वही 11, हम पीएनजी से भी खेलें तो वही 11, बेंच नहीं ट्राई करनी बिकॉज विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना। ये एक थॉट प्रोसेस है कप्तान का, वी कांट ब्लेम हिम फॉर बीइंग ईगोइस्टिक, दैट इज़ हाउ ही प्रोसेस हिमसेल्फ। मगर एक पॉइंट पे आके यस, रिजवान हमें पता है फाइटर हैं, बट सेमीफाइनल से पहले रिजवान को हस्पताल से उठा के फिर लाना पड़ा और खिलाना पड़ा बिकॉज हमने कहीं भी मोहम्मद हारिस को ट्राई नहीं किया था। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था कि हम सेमीफाइनल में फ़ौरन मोहम्मद हारिस को डाल दें। एग्जैक्टली दिस हैपन्ड इन 2022 वर्ल्ड T20 व्हेन एवरीवन वाज शाउटिंग के शाहीन फिट नहीं है, शाहीन फिट नहीं है, एंड द मैनेजमेंट केप्ट फाइटिंग कि नहीं हमें तो फिट लगता है, आपको क्यों नहीं लगता। बट फाइनल में द चेयरमैन हिमसेल्फ रमेश राजा सेठ के शाहीन जैसे बॉलर्स को तो 70% फिटनेस पे भी हम खिलाएंगे, मगर उससे हुआ क्या कि शाहीन की इंजरी में बुरा हुआ, शाहीन की इंजरी के हिसाब से, और फिर शाहीन को ब्रेक पे जाना पड़ा। तो मे बी समटाइम्स द कैप्टन नीड्स टू बी श्रूड एंड अ बिट सेल्फिश कि टीम जीते, टीम के लिए क्या बेहतरीन है वो सोचना ज़रूरी है कैप्टन को, या प्लेयर्स को बैक करना ज़रूरी है। I think it's a very valid conversation and question from you actually. इसमें balance होना चाहिए, balance बहुत होता है ज़रूरी ज़िंदगी में। जो number one बने हैं उसमें शायद प्लेयरों के अंदर जो unity और confidence built up हुआ है शायद इस वजह से बना हुआ कि वो अपने प्लेयरों को drop नहीं होने देता, शायद इसलिए एक दूसरे के ऊपर trust built up हो गया। याद रखिए कि जब family में टीमों में trust built up हो जाता है तो जब आप hard decision करते हैं तो लोग उसको मान लेते हैं। जब आपका ट्रस्ट बिल्ट अप नहीं होता तो आप कोई सही डिसीजन भी करते हैं तो लोग उसको ऑन नहीं करते। बिल्कुल, इस वक्त जो बाबर ने आई थिंक किया है, और इसमें मैं क्रेडिट एक दो बंदों को ज़रूर दूंगा, जैसे सकलैन है, जब वो कोच था साल दो साल इनके साथ है, उसने बाबर को फुल हैंड दिया हुआ था, तो आई थिंक उसको भी क्रेडिट देना चाहिए। मेरा पॉइंट ये बनता है इस पर कि इसमें बैलेंस होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है जिस तरह पाकिस्तान की टीम यूनिट बन के खेल रही है, एक यूनाइटेड होकर खेल रही है, अब अगर बाबर किसी को ड्रॉप करेगा तो आई बिलीव सो दे कैन अंडरस्टैंड दैट पर्सन गेट ड्रॉप नॉट बिकॉज पर्सनल डिलाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, बिकॉज वो विनिंग फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान मैच जीतने के लिए बाबर ने ये चेंज किया या सिलेक्टरों ने चेंज किया। अब हैविंग सेड दैट दे विल नॉट डाउट हिज इंटेंशन, एग्जैक्टली, बट आई थिंक जो आपका पॉइंट है ये 6 महीने साल पहले ये वैलिड पॉइंट था। अब जो है बाबर को अब थोड़ा सा प्रोएक्टिवली श्रूडली रूथलेस काइंड ऑफ थिंग यू नो लाइक लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग जो मर्जी समझे, मेरा ख्याल है कभी कभी जिस तरह फ़खर जमान की एग्जाम्पल है, आई थिंक फ़खर जमान को जिस तरह की उसकी बैड फॉर्म चल रही है टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसको देखा जाएगा कि यार अगर अब्दुल्ला शफीक बाहर बैठा हुआ वो ज़्यादा सॉलिड है इस वक्त, या आप किसी और को खिला सकते हैं, तो टूर्नामेंट से एक दो मैचों से पहले ही आपने नोट करना होता है। तो आई थिंक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है, आई थिंक योर पॉइंट इज़ वैलिड, बट वेन हाउ This is very important. बिल्कुल, बिल्कुल बहुत important. और मेरे ख्याल से कब लेना है, कब नहीं लेना, ये बहुत है। अब मैं बार बार ये बात रिपीट करूंगा, अब बाबर के ट्रस्ट बहुत लेवल अच्छा हो गया। अब यू कैन सी द वे ऑफ द जॉय ईच अदर सक्सेस, अपने फेलियर के अंदर भी वो जुड़े हुए हैं। द बॉयज लव हिम, मतलब वो जो कैप्टन के साथ बॉन्डिंग टीम की दिखती है ना, दैट इज सो एविडेंट। और जो सबसे अच्छी चीज़ इस टीम में हम देखते हैं, बड़ी बड़ी टीम गुजरी है टीम पाकिस्तान की, मगर कहीं ना कहीं था ऐसा कि नहीं जी, एक कुछ नाराज़ हैं, कुछ खफा हैं लोग साइड पे, मगर इस टीम को जब मैं देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि ये एक दूसरे की सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं। द यूनिट दैट बाबर आजम हैज़ बिल्ट, और आपको याद होगा रीसेंट पास में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ड्रेसिंग रूम की वीडियोज़ भी जो है वो बाहर लेकर आ रहा था, ड्रेसिंग रूम की वीडियोज़। द मेन फोकस दैट बाबर ऑलवेज केप्ट वॉज इस भाईचारे को रखना, इस यूनिटी को रखना, दैट वाज द फर्स्ट थिंग ही ऑलवेज यूज्ड टू से, और वो दिखती है। बिल्कुल सवेरा, टीम्स जाती भी ऊपर तब है जब उनमें यूनिटी हो, और मुझे लगता है कि हमारे बॉयज़ की सबसे जो अच्छी चीज़ है, और ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल से आई है, बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बहुत चीज़ मुश्किल से आई है, कि एक दूसरे की सक्सेस पे खुश होते हैं। और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से अब इनकी बॉन्डिंग बन गई है और जितना ये एक यूनिट हो गए हैं, ये बड़ा लंबा चलने वाला है, और अगर ये लंबा चलता रहा तो इंशाल्लाह हमारी टीम, मुझे लगता है अभी तो ODI फॉर्मेट में है, फिर T20 और टेस्ट में भी इंशाल्लाह नंबर वन पे, जो कि अभी इंडिया है दोनों फॉर्मेट में, इंशाल्लाह हमारी टीम अगर इसी तरह चलती रही तो बाकी फॉर्मेट्स में भी इंशाल्लाह नंबर वन पे नजर आएगी। बिल्कुल, और हाफिज़ जिस तरह हम बात कर ही रहे हैं और हम
बाबर की नेचर को नहीं, आई वुड से हाँ बाबर की नेचर को ही असेस कर रहे हैं शायद विद दिस लॉट ऑफ प्लेयर्स, जो ये लॉट इस वक्त बाबर के पास है, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स हैं बाबर के पास, बैटर्स भी अच्छा कर रहे हैं स्पेशली इन दिस फॉर्मेट, बाबर थोड़ी सी दिलेरी इन सेंस द कैप्टनसी डिसीजन, नॉट बाबर द बैटर, वी आर टॉकिंग अबाउट बाबर द कैप्टन, डिसीजंस में दिखा दें जो, तो जो हम आईसीसी इवेंट्स के कोने तक जाते हैं मगर क्रॉस नहीं कर पाते वो लाइन, वो भी क्रॉस करने में कामयाब हो जाए। देखिए इसमें एक चीज़ ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ेगी कि जब आप फैसला साजी की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे कप्तान ऐसे हैं, ये खुदादाद सलाहियत है, ये आपको आप सारा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप सारा ज़िंदगी भी सीखते रहें तो आप नहीं उन तक पहुँच पाते, जो कि एक ना तजर्बाकार भी होता है लेकिन वो उस तक पहुँच जाता है, मतलब लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब आप अगर वो पाकिस्तान की जीत के लिए बात कर रहे होते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर, हम लोग भी बैठे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ही बात कर रहे होते हैं, सब यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं, हर किसी का, आपको किसी के नुक्ता नज़र से इख्तलाफ कर सकते हैं, किसी की नीयत पर शक नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कप्तानी में जो आप फौरी तौर पर उसको समझते हैं पढ़ते हैं और फिर आप उसको फौरी तौर पर उसको फैसला कर लेते हैं, सीखने से नहीं आती हैं, ये फौरी तौर पर आप पर नाजिल होती हैं और आप कर जाते हैं, मतलब लोगों को नहीं अच्छा लगता, लेकिन बात ठीक है कि स्टीरियोटाइप कैप जो कप्तानी है ना, या जो आप एक एक पैटर्न के ऊपर चलते हैं वो कप्तानी नज़र आती है बाबर की जब वो कप्तानी कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप शाहीन को देखते हैं तो आप देखें कि PSL में उन्होंने कैसे जीता है, उन्होंने इसी तरीके से जीता है कि ये लाजिम नहीं है कि दो ये करेगा, दो ये करेगा, उसके बाद दो ये करेगा, उसके बाद दो ये ओवर करेगा, नहीं, वो जो हालात का तकाजा होता है वो उसके मुताबिक फौरी तौर पर फैसला करते हैं, और मुझे ये भी पता है, आपको भी पता होगा यकीनन, कि बहुत सारे ऐसे फैसले भी उन्होंने PSL के अपने उन मैचेस में किए कि उनका जो कोर ग्रुप था मैच के दौरान उन्होंने उनसे राय जरूर ली, उनका मशवरा कुछ और था लेकिन फैसला उन्होंने अपना किया और वो उनके लिए काम कर गया, तो ये फैसले उनके, आई रिमेम्बर वो ऊपर बैटिंग करने आगे थे भी पिछले PSL की बात है, एंड मैं सिकंदर रजा और राशिद खान को सुन रही थी कि हम पैड करके बैठे हुए थे और हम बाहर गैलरी में बैठे हुए हैं उसकी ड्रेसिंग रूम की, ड्रेसिंग रूम के पीछे से एक बंदा सिर्फ हमें भागता हुआ दिखा है और हम यूं देख रहे हैं कि पैड करके हम बैठे हुए और शाहीन भागता हुआ बैटिंग करने चला गया, सो यस शाहीन वो इंपल्स डिसीजन लेता है, मगर हमारा पॉइंट यहां बाबर को किसी से कंपेयर करना नहीं है, बिकॉज बाबर ने अभी पास्ट में जो अभी जो रीसेंट ODIs हुए हैं, मुझे लगता है दिस फॉर्मेट इज द आइडियल फॉर्मेट फॉर बाबर एज अ कैप्टन, मे बी टुडे वाज अ वेरी ऑफ डे जहां पे वो मिस कर गए ट्रिक। जैसे आप प्लेयर के स्किल को जानना चाहते हैं तो टेस्ट मैच में देखें उसमें कितना तप्पड़ है, कितनी उसकी बेसिक्स तक है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े जो क्रिकेट के गुरु हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि ये प्लेयर में कितना तप्पड़ है, क्योंकि 2020 एक फॉर्मेट ऐसा है जो अफड़ा तफड़ी में निकल जाता है, बिल्कुल आपके स्किल लेवल देखने होते टेस्ट मैच में देखते हैं, 50 ओवर में देखते हैं, 50 ओवर इज मिनी टेस्ट मैच, कैप्टनसी भी आपने देखनी होती है ना, तो वो आपको मोस्टली आपने टेस्ट मैच में और 50 ओवर में देखनी होती है कि हाउ यू रन द शो, हाउ यू एक्चुअली विन मैचेस, कि किस वक्त डिसीजन उसने कैसे लिया, जैसे आज हम बात कर रहे हैं बैठ के कि इस वक्त मैं शाहीन के शायद मैं 7 ओवर लगातार करा देता, बिल्कुल चाहे वो खत्म होया होता उसकी पेस 135 से 125 आ जाती, बिल्कुल, क्योंकि वो तो शाहीन को खेल रहे थे, बॉल को खेल ही नहीं रहे थे, शाहीन का अपना नाम दहशत काफी थी, मैं हो सकता है नसीम शाह से 8 ओवर करा देता, एंड में मुझे अगर मैं एंड में नवाज और शदाब से बॉलिंग करनी पड़ती तो मैं कर जाता, पर मैं ये फैसला कर जाता कि मैं 15 ओवर पहले ही मैच खत्म करके बैठा होता, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये है 50 ओवर में आपने ब्लंट डिसीजन करने होते हैं, बिल्कुल, सो आई थिंक ये बाबर विल लर्न दैट ओवर द टाइम पीरियड ऑफ द टाइम, ये इसके साथ जो है ना जो लकी चीज है जो मुझे नजर आ रही है जो रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, रिजवान, शहीन, शदाब, ये तीनों फ्रेंचाइज के कैप्टन हैं और तीनों बड़े सक्सेसफुल कैप्टन हैं, अब इनके साथ पिछले साल दो साल से बाबर कैप्टन है, एक बात याद रखिए ये बच्चे हैं, यंग हैं, तो सम हाउ दी अदर सम टाइम इनके माइंड में जरूर चल रहा होगा कि आई कैन बी द बेस्ट कैप्टन, फॉर एग्जाम्पल ये जो इज्जत और शोहरत और जो ऑनरशिप बाबर ने कमाई है ना, एक तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से इतना डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि सबको पता लग गया, दो राय नहीं है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, उसके ऊपर उसने सबसे अच्छी जो की है ना वो आई थिंक आई कैन सी दैट ही स्टार्ट
उनके साथ उन्होंने ऐसी बॉन्डिंग की है कि उनका ट्रस्ट लेवल सबका इकट्ठा हो गया, एंड आई थिंक मेंटली पूरी टीम ने मान ली है यही हमारा कप्तान है, इसी की बात माननी है। तो आई थिंक ये सारे इतने कप्तान एक साथ खेल रहे हो तो आसान बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं तो हम तो उस टीमों में खेले हुए ना, हर बंदा कई दफा अपने अपने चक्कर में बैठ जाता है, उसी पे लाना चाह रही हूं, ठीक है ना वो, मगर अगर होता क्या है जब आप ऐसी सोचते हैं ना तो फिर आप जीतते नहीं, नंबर वन नहीं बनते, फिर आप दो तीन मैच जीतते हैं फिर अपने चक्कर में पड़ जाते हैं। ये जो पॉलिटिक्स और सियासत होती है ना ये बड़ी खतरनाक होती है स्पोर्ट्स में। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, यकीन मानिए बिल्कुल, ये हमसे बहुत अच्छे क्रिकेटर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमसे बंदे भी बहुत अच्छे हैं, नेक बच्चे हैं, पाकिस्तान का सोचते हैं, इनकी वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान के अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हैं, अल्लाह इनको नजर बस से बचाए। तो मैं इन हम तो बहुत खुश हैं, अल्लाह का शुक्र, बस ये दुआ करें अल्लाह इनको नजर बस से बचाएँ। और एंड में मैं जाते हुए ये कहूँ कि मुझे कई दफ़ा हाफिज साहब के साथ बैठ के ये लगता है कि मैं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ। आपने जिस तरह मुस्कुराहट दी थी ना इनके जुमले पे, ज़खीरा अल्फाज जो है ना इनका ज़खीरा अल्फाज शराकत दारी, तो मुझे लगता है कि अभी कोई फैसला करेंगे और कहेंगे ये हमेशा के लिए बैन है, क्योंकि इनके ज़खीरा अल्फाज जो है ना मैं अब देख रहा हूँ खंडराज से निकल के इश्तराक दारी करते हैं। तो आई थिंक ये मैं जोकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सब बातें तो हम कर रहे हैं, मगर ये हाफिज साहब ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, लेट मी टेल यू वन थिंग, इन्होंने बड़ा अच्छी पॉइंट की है कि अल्लाह का शुक्र है ये टीम बड़ी स्टैंड कर गई है। अब इनको नंबर वन स्टे, कहते हैं ना बुलंदी पे पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है, और ठहरते वही लोग हैं जो अपने प्रोसेस और अपनी अपनी वर्क एथिक्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बिल्कुल अपनी वैल्यूज के साथ रहते हैं। और जोर का जोड़ में जो है वो सिर्फ आप क्रिकेट नहीं सीखेंगे, थैंक्स टू हाफिज आपकी उर्दू की वोकैबुलरी भी हम बहुत अच्छी करने वाले हैं इस दफ़ा, दैट आई प्रॉमिस यू। एंड हाफिज इसी तरह आप कंटिन्यू करते रहें, बिकॉज हमें इतने अच्छे लफ्ज़ सीखने को मिल रहे हैं कि हम भी बाद में कल से हम भी पार्टनरशिप को जो है ना शराकत दारी कहेंगे कि पांड्या ने और ईशान किशन ने क्या शराकत दारी लगाई है। जी समीरा मैं ये कह रही थी अगर हमें याद हो जिस तरह की इनकी कह लें कि लड़कों की आपस में एक यूनिट है, जब शादाब ने कप्तानी की तो उनसे पूछा गया पिच पे, तो उन्होंने कहा जी कप्तान हमारा बाबर ही है, ये थोड़ी सी उसकी जिम्मेदारी है जो आज मैं निभा रहा हूँ क्योंकि वो अभी रेस्ट पे है। लाइक इस तरह भी इनके अंदर ये बात है, कोई इनके अंदर जेलसी नहीं है कि यार मैंने कप्तान बनना है या बाबर को क्यों, ऐसा कुछ नहीं है। बट एरम वेरी गुड पॉइंट, आपने मुझे एक ऐसी चीज़ याद दिला दी शायद जो उस वक्त मेरे दिल को बुरी लगी थी, जहाँ शादाब की ये बात की अफगानिस्तान के अगेंस्ट जब यूएई में जाके एक यंगर टीम साथ खेली, शादाब बीइंग द कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस में शादाब ने कहा और ना खिलाएं बाबर और रिजवान को यही होगा, दैट वॉज समथिंग बैड कमिंग फ्रॉम अ कैप्टन, क्योंकि आपने ये यंगस्टर भी आपके पाकिस्तानी हैं, ये यंगस्टर भी आपके लड़के हैं, सेइंग दैट एंड बिलिटलिंग देम बिकॉज के आपके सीनियर प्लेयर्स, ये ट्रांजिशन आएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अभी ये लड़के यंग हैं मगर एक टाइम आएगा, एक टाइम था कि आप मेन स्ट्रीम बोलिंग कर रहे थे पाकिस्तान के लिए एंड देन शाहिद आफरीदी बिकेम द सक्सेसर, वो टाइम आएगा और वो टाइम आना है हर किसी के साथ, यू कैन नॉट बी अल्टीमेटली देयर, सो जस्ट पुलिंग दैट कॉन्फिडेंस आउट फ्रॉम द यंगस्टर्स, मेरा ख्याल से एक कप्तान को बड़ा रिस्क होना चाहिए। आई थिंक ये जो कम्युनिकेशन होती है ना टू हाउ टू हैंडल मीडिया, यस लेट मी टेल यू, आई विल गिव यू एग्जांपल, व्हेन आई जॉइंड इंग्लैंड क्रिकेट टीम एज अ कोच, मुझे आधा घंटा पहले जो हमारा मीडिया कोऑर्डिनेटर होता था, मीडिया जो हमारा था, वो मुझे बिठा के पूरे क्वेश्चंस को मेरे से सामने बैठ के करता था, दोज आर द क्वेश्चन आज कमिंग एट यू, इसमें आपने ये आंसर करने हैं, कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपने उनको कहना कि आपने कहना नो सॉरी नो आंसर, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अब ये क्यों करते हैं, पीटरसन हो गया, जिमी एंडरसन हो गया, इतनी मच्योर क्रिकेट खेले हुए, इतनी सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, बट अभी भी वो जब मीडिया को हैंडल करने जाते हैं ना तो वो बैठ के उनका मीडिया मैनेजर उनसे आधा घंटा पहले बैठ के पॉइंट करता है, उनको नॉमिनेट करता है कि जी आपने मीडिया को हैंडल करना है, दोज आर द क्वेश्चन। आप देखिएगा कभी भी कोई इंग्लिश मैन, कभी भी कोई ऑस्ट्रेलियन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, दे विल हार्डली कम आउट विद एंगर, ठीक है, उनको बड़े सख्त सवाल भी होते हैं क्योंकि उन्होंने पहले प्रैक्टिस की है, तो कहते हैं व्हेन यू स्वेट मोर इन द नेट्स यू विल स्वेट लेस इन द गेम, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू दोज यंग पीपल जो मॉरल्स अच्छे हैं, जिनके जो पाकिस्तान के लिए जुड़ के खेल रहे हैं, नंबर वन बनाया हुआ है, इनके साथ साथ प्रेस को हैंडल करने के तरीके ज़रूर इनके साथ शेयर करने चाहिए, कोई शर्म की बात इनको नहीं है, ग्रूम करना ग्रूम चाहिए, करना चाहिए। और इसमें कोई जिस तरह बाबर है, आज मुझे बड़ी खुशी हुई, लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग
honestly speaking, I was so happy the way of Babar actually expressed to Ravi Shastri today. Yes. आप यकीन माने, English is not my language, not your language. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है. बिल्कुल नहीं है. इसके बावजूद बाबर वर वेरी कॉन्फिडेंट. If he was confident at that stage and speaking. Fumbling नहीं थी. हाँ. और fumbling होना, ये vocabulary का होना कोई criteria नहीं. बिल्कुल. Fumble होना criteria होता है ना, जब you are scared कि मैं मेरा point गलत ना बोल दूँ, मैं ये ना बोल दूँ. पर I think आज मुझे ये पता चला है कि he is not worried anymore about making any mistakes. बिल्कुल. और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम ना बड़े पड़े रहते हैं. वो कहते हैं ना कि चले गए अंग्रेज, लामी हमारी वही है कि नहीं जी इंग्लिश आ जाए. ना रोनाल्डो बोलता है ना मेसी बोलता है, मगर बाबर आजम क्यों नहीं बोलता है, इसका सवाल जरूर है. मगर हमारे समा के एक और साथी जो कि गए थे स्पेशली ये मैच देखने श्रीलंका कैंडी, क्या उनकी उम्मीदों पे भी पड़ गया पानी? मोमिन साकिब है हमारे साथ. मोमिन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़. वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. कैसा फील कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान में? इससे पहले कि आप मुझसे पूछे, मैंने कहा मैं आपसे पूछूं आप लोग कैसा फील कर रहे हैं आज के मैच के बाद. मोमिन, हमें समझ नहीं आ रहा हम रिएक्ट क्या करें, इस बारिश की खुशी मनाएं या इस बारिश का दुख मनाएं, आप बताएं आप कैसा फील कर रहे हैं. मोमिन से पूछे, हम पाकिस्तानियों के लिए तो दुखी बनता है क्योंकि मोमिन का क्लोज दिखाइए, मैं देख रही हूँ पट्टी वट्टी बांध. मैं वही कह रहा था कि बारिश में स्लिप हो गए, चोट तो नहीं लगी इसके सर पे? ये झंडा ये पट्टी नहीं, ये झंडा. ये चाहत अली खान का झंडा तो नहीं है कहीं जी? नहीं, ये पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा है. और मैं ये कह रहा हूँ कि टू जो टारगेट मिला 267 का, आई फैंस वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि ये बाबर और रिजवान ने इजिली अचीव कर लेना था. तो आई थिंक ये बारिश का होना पाकिस्तानियों के लिए दुख और इंडियंस के लिए खुशी का मौका है, वरना ये गेम हम जीत चुके थे और हमारे एक नहीं दो पॉइंट्स हो जाने थे. मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विकटें गिरी है ना, उससे ज्यादा शोर मोमिन आपने मचाया, बिकॉज जो आपकी आवाज का हाल है वो पता चल रहा है कि स्टैंड में सबसे ज्यादा ऊंची आवाज आपकी थी. आप देखें, मैं यही कह रहा था, हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह, आज मुझे पहली दफा फील हुआ कि जो रेशो था ना वो, क्योंकि नॉर्मली टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडियंस का रेशो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आज जितनी तादाद में पाकिस्तानी गए हुए थे, पता नहीं ये क्या श्रीलंका की कोई पैकेज निकले हुए थे क्या था जी, जो मुझे फील हुआ. और उनका जज्बा जिस तरह वो टीम को सपोर्ट कर रहे थे और एंड तक करते रहे. ऑनेस्टली जब भी मैं लोगों को देखता हूँ, मैं कहता हूँ इस मुल्क में हालात खराब है, बिजली का बिल ज्यादा है, इनकी मोहब्बत अपने मुल्क के लिए, वो हालात डाउन हो इनकी मोहब्बत इंक्रीज होती जाती है, तो क्या ही लोग हैं ये. बिल्कुल. बट मोमिन, लोगों का उस बारे में क्या ख्याल था कि जब हमने चार विकटें ले ली थी, 66/4 कर दिया था इंडिया को, उस वक्त तो आधे से ज्यादा लोगों ने कहा होगा यस यहाँ से हम तो बस जीत गए, मगर फिर वो पार्टनरशिप आई, वो शराकतदारी आई जहाँ पे पांड्या और ईशान किशन जो हैं वो हमसे खेल, मतलब एक टारगेट बड़ा करते चले गए, उस वक्त क्या तासुरात थे लोगों के? लेकिन शुरू में तो एक दम जब वो चार विकटें गिरी, वी थॉट के गेम हम ले गए, फैंस के जज्बात आसमानों पे थे, चिलांगे मार रहे थे, लेकिन एकदम फिर जब हार्दिक और ईशान की वो जो मोहब्बत चली है, आहिस्ता ना पाकिस्तानी फैंस का मुझे नजर आ रहा था वो मोमेंटम डाउन होता हुआ, क्योंकि नो डाउट उन्होंने एक बड़ी लंबी पार्टनरशिप चला दी, खास तौर पे वो स्पिन के फेज में, वो जो स्पिन का फेज था उसमें उनकी जो पार्टनरशिप चल गई, उसने कहीं ना कहीं हमारी गेम चेंज कर दी, गेम हमारे हाथ से वो लेके जा रहे थे. बट आई थिंक उस वक्त बड़े फैंस भी कह रहे थे कि हमें जल्दी, हमारे 15-16 ओवर्स पेसर्स के पड़े थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम थोड़ी जल्दी इनको ले आते तो शायद हमने जो 267 का भी टारगेट लिया है ये ना लेते, और हो सकता है ये 200 210 220 तक भी हम गेम रोक देते. बट नेवरदलेस फिर भी देर आए दुरुस्त आए, नसीम और शाहीन ने एंड में आके जो दो दो विकेटें निकाली, उसके बाद वो मोमेंटम जो हारिस ने 87 पे हार्दिक की विकेट लिया ना, वहां से हमने वापस मोमेंटम खींच लिया. तो आई थिंक ऑनेस्टली दिस इज, ये बेहतर हो सकता था टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट स्टिल इंडिया का बैटिंग लाइनअप देखते हुए 267 के टोटल पे उनको रोकना वाज अ सक्सेस ऑन आवर साइड. बिल्कुल. वैसे मुशी भाई, जिस तरह मोमिन बात कर रहे हैं, वाकई जितने इंटरेस्ट से पाकिस्तान के लोग देखते हैं क्रिकेट, ऐसे मौकों पे हर फैन एक एनालिस्ट होता है अपने आप में, दे नो व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, दे आर सो शार्प नाउ विद इन क्रिकेट. आई थिंक ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है इसने गेम उठा के रख दी है. yes. आप जितने भी आप देखें बंदों को, ये मोमेंट बात कर रहे हैं, ये जो इसने बात की है कि स्पिन के दरमियान में उनकी पार्टनरशिप लगी है, तो यही एक एक्सपर्ट राय, एक जो क्रिकेट को खेला हुआ है वो यही कहेगा कि उस वक्त जो 15-16 ओवर पड़े हुए थे, जो हम बार बार बात कर रहे थे, उस वक्त यूटिलाइज कर लेते और अगर हमारे स्पिनर्स के ओवर ना भी होते तो कोई बात नहीं थी,
क्योंकि हो सकता है हम 150 पे आउट कर लेते, हो सकता है 150 के आउट करने के ऊपर डकवर्थ उसके ऊपर हम 20 ओवर खेल लेते और 20 ओवर के ऊपर हम मैच जीत जाते। तो यू नो ये छोटी छोटी चीजें, ये आई मीन ये इमोशनली बात है, मगर ये देखा जाए तो दैट इज अ मिस्टेक आई थिंक दे मेड पाकिस्तान, दे शुड नॉट डू दैट अगेन। गेम व्हेन द ऑपोजिशन आर डाउन मेक श्योर दे शुड नॉट स्टैंड अप अगेन। बिल्कुल। सो मोमिन, खैर से आप वापस आ रहे हैं आप कल? इंशाल्लाह कल आ रहे हैं, अपनी टीम को हमने 6 को भी सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर खैर रखे 9 को फिर 10 के मैच के लिए अपनी टीम को सपोर्ट करने जाएंगे। टीम हमारी चांद में भी चली जाएगी ना, मैं वहां भी उनको सपोर्ट करने जाऊंगा, दुनिया जो मर्जी कहे। ठीक है। ये जो फैंस ही बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी हमारी जो कौम है ना, ये बिल्कुल सही बात है, हर चीज भूल के ना ये पाकिस्तान के जो लड़कों को सपोर्ट करती है, क्रिकेट को सपोर्ट करती है, I think credit goes to all Pakistani no nation doubt actually about. Because ये तो श्रीलंका की बात कर रहे हैं, मैंने तो मेलबर्न में आते हुए देखा है इतनी लंबी लंबी फ्लाइट लेके जो हमारे फैंस टीम को बैक करने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। ये तो ये वो कहते हैं ना कि हमारी टीम का 12वां खिलाड़ी हमारे फैंस हैं। बट थैंक यू मोमिन, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड कभी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त जो है यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इंतज़ार था हमें पाकिस्तान की जीत का, मगर बारिश को ये मंजूर ना था। सो वक्त ख़त्म हो गया है, डिस्कशन को जो है हम यहाँ पे, मगर अभी एक मिनट बाकी है, तब्दीली क्या करनी है जल्दी? पॉइंट्स तो बता दें, उनको तो पॉइंट्स मिल गए, हमारे पॉइंट्स का क्या बना? नहीं नहीं, कोई पॉइंट नहीं मिले आपको भी। आज का प्रोग्राम अगर आपने नो रिजल्ट हो गया, एनआर हो गया, अगर आज का प्रोग्राम हमने वाइंड अप करना है ना, तो आपने गुड बाय या इस तरह से नहीं कहना, आपने कहना शब खैर। आप शब खैर ही कहना होगा, जाहिर सी बात है। अब तो मुझे लग रहा है कि एक मिनट है जिसमें मैं कोई लोरी वोली भी सुना दूं और फिर जो है फिर उसके बाद हो के शब खैर। ये आखिरी आखिरी ना एंडिंग आपने करनी है। हाफिज इमरान साहब जो है वो अपनी शुद्ध उर्दू, खालिस उर्दू में जो है वो मतलब ये मैं इनके साथ बैठ के इतना सीख गया हूँ। मैं थोड़ा सा बता दूं कि सितारों में मदम रोशनी जो इस वक्त है, वो जो उस वक्त उसकी उस मदम रोशनी भी ख़त्म हो गई है, तो अब मेरा ख्याल है सारे व्यूअर्स को चाहिए कि सोएं और इंशाल्लाह ताला फजर की नमाज के लिए सुबह खैर से उठें। और सुबह खैर जब उठेंगे तो जो सूरज में रोशनी और गर्माहट है वो अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी से है। तो आई थिंक ये हाफिज साहब, आई थिंक आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हिम इन उर्दू। जल्दी से क्लोज ले जी। जोर का जोड़ में वक्त हुआ जाता है इख्तिताम का, सांसें चलती रहीं, आंखें खुलती रहीं, तो आपसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। हाफिज मोहम्मद इमरान अपने इन तमाम दोस्तों और इन तमाम दोस्तों के साथ और आप देखने वालों के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।